काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं साइको सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कर्षिका जैन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर किसी की लाइफ में 24 आवर्स ही होते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट की, और इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में ही है हमारे डॉक्टर कशिका जैन। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करें और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करें ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो बच्चों को अगर हम टाइम मैनेजमेंट की शुरू से आदत डाल देंगे तो उन्हें बहुत फायदे होंगे इसके। सबसे पहले, जैसे कि हम सभी जब छोटे होते हैं तो खेलते ज़्यादा हैं और पढ़ते कम हैं, काफ़ी टाइम खेलने में निकाल देते हैं। बट क्या होता है, जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाती है तो हमारा खेल छूट जाता है। तो जीवन का जो चक्र है उसका जो एक बैलेंसिंग है वो बैलेंस समहाव कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा तो है नहीं जो बच्चे पढ़ते ही रहते हैं वही ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, उनमें बहुत कम परसेंटेज ऐसे हैं जो बहुत कामयाब होंगे। तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, समय से उठना, समय से खाना, समय से फ्रेश होना, सोना, इन सब चीज़ों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जीवन पे बहुत ज़बरदस्त असर है। इवन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो भी आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पता चला आपने मुश्किल सवाल पहले डाल लिया या आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या लंबा वाला सवाल पहले करने बैठ गए और समय रहते रहते आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए या जो बाकी के क्वेश्चन आप उसमें आप कम टाइम दे पाए। और नंबर तो हर क्वेश्चन के तय ही है ना, किसी पे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ज़्यादा लिखते हो तो भी 10 ही मिलेंगे जी। और जो जिस जो बाकी के क्वेश्चन जो जिसे करने उन नंबर्स के लिए तो उसमें भी आपको उतना टाइम उसके हिसाब से देना होगा। अगर बच्चों को छोटेपन से ही ये टाइम मैनेजमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर सिखा दिया जाए, काफ़ी हद तक होता भी है, बट वो स्ट्रिक्टली अगर उनके सिस्टम में डाल दिया जाए तो उनकी जीवन आगे सुचारू रूप से चलेगा। अब अगर बच्चा कोई भी गोल फिक्स करता है, जैसे डॉक्टर बनना है या IAS ऑफिसर बनना है या कोई स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही। आप ये आप हमेशा ही सोचते रहो चलो कल कर लूंगा, तो वो कल कभी नहीं आती जी। और बच्चों की पढ़ाई में जो बेसिक, चाहे हम IQ को दोष देते रहते हैं, हम टीचर को दोष देते रहते हैं कि वो नहीं पढ़ा रहे हैं या किसी ना किसी को हम ब्लेम करते रहते हैं, बट अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट करेक्ट है तो हम जैसे हमारा मोबाइल देखने का और बच्चे की कंडीशनिंग ये होगी कि आधा घंटे ही देखना है तो वो आधा घंटे ही देखेगा तो उस पर बहुत टाइम बचता है। आप सुबह आलस में लेटे रहे, आपका उठने का टाइम मान लो 6 बजे, आप आलस में लेटे लेटे सपोज 6:30 या 7:45 उठते हैं तो आपको सबसे पहले बीमारी जो होगी वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका वो राइट टाइम निकल गया। और अब आप जब फ्रेश होने जाते हैं तो आप फटाफट नहीं हो पाएंगे, और ये आजकल बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर। तो ऐसे ही मतलब सब चीज़ों को आप टाइम मैनेजमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो इसलिए मैं तो सबको यही समझाता हूँ बचपन से ही टाइम मैनेजमेंट से। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स उस चीज़ को खुद फॉलो करेंगे तो बच्चों में भी वो हैबिट आएगी ही। छुट्टी के समय भी ना टाइम मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए। अब क्या होता है, छुट्टी के समय माएँ सोचती हैं कि रोज तो जल्दी जगता है, आज तो जी सोने ही दो। मम्मी सोचे ना सोचे लेकिन दादी और दादू जरूर सोचेंगे कि आज बच्चा। क्या होता है कि जो जो उस छुट्टी को कैपिटलाइज करता बच्चा, उसमें कुछ ज़्यादा खेलता या कुछ और उस टाइम को एंजॉय करता, वो आलस में ही सारा उसका वेस्ट हो जाता है। मैम, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है बच्चा क्लास में फर्स्ट भी आए, स्पोर्ट्स में भी पार्ट ले, पार्टीज में भी जाए पेरेंट्स के साथ, बच्चा परेशान हो जाता है कि इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको चेस भी खेलना है, उसको स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना है, स्कूल में भी फर्स्ट आना, ये सारी चीज़ें बच्चे कैसे मैनेज करें। देखिए, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन एक साथ ही चलते हैं। किसी भी पर्सन की लाइफ, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसमें डिसिप्लिन और टाइम की उसको वैल्यू सिखाई जाए तो आप अपनी लाइफ में जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे बच्चे का क्या है, स्टडी को इम्पोर्टेंस देनी है, वो भी और
जो फन एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पार्टी इंजॉय करने हो या स्पोर्ट्स के हैं, किसी भी जरिए से आप हो, सब कुछ पॉसिबल है. जैसा आपने शुरुआत में बोला था कि सभी के पास 24 घंटे एक यही ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे भेदभाव किया गया है. बाकी सब में शक्ल सूरत से लेकर पैसे से लेकर हर चीज़ में कंप्लेंट्स राइज हो सकती है, लेकिन एक सिर्फ यही चीज़ है जिसमें कि कोई कंप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज सबके पास इक्वल है. ये तो ये है कि आपके पास वो इक्वल है, आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हो. टाइम मैनेजमेंट एक एटीट्यूड का गेम है. आपका जैसा एटीट्यूड होता है आप उसी तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो. जैसे मैं अक्सर बच्चों को समझाने के लिए ऐसे बोलती हूँ कि सपोज़ कीजिए आपको एक फिक्स बैलेंस डेली मिला है कि आपको स्पेंड करना है, ठीक है, और कंडीशन एक यही है कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है. आज आप इसका पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हो, तो अब आप क्या करोगे उसमें. सपोज़ फॉर एक्स अमाउंट आपको 10,000 आपके पेरेंट्स ने दिया, बोला है कि आप इसे पूरा खर्च कर दो, ठीक है, मज़ा आ जाएगा, और आप लेकिन कल इसका एक रुपया भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे. बच्चे कहते पूरा 10,000 मैम निचोड़ डालेंगे, ठीक है. सो ऐसे ही रोज़ाना भगवान ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हम अगर इनको सेकंड्स में कन्वर्ट करें 24 घंटों को, तो 86,400 सेकंड्स के करीब ये आपके अकाउंट में ईश्वर ने रोज़ाना डिपॉजिट कर दिया. अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर आज आप इसको इन्वेस्ट करोगे तो इसकी रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगी. अगर आप इसको वेस्ट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा जी. तो अब ये कैरी फॉरवर्ड तो होगा नहीं ना. तो ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो, किस चीज़ को नहीं. तो सबसे पहली जो इस चीज़ की सीख है वो माता पिता से मिलती है डेमो के रूप में. अगर माता पिता अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए बच्चों को दिखते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, तो बच्चों को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे होता है कि हमें अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करना है. दूसरा, टाइम मैनेजमेंट की एक अच्छी टेक्निक होती है कि आप अपने टाइम को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लो. एक वो जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वर्क है, मतलब इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है जी. एक ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, और एक वो है रेगुलर वर्क. तो आप बच्चे की जितने भी स्टडीज हैं या कोई भी उसकी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या उसको जब आना जाना है, आप इनमें से तीन में से किसी भी कैटेगरी में आप डाल दो. सबका अपना अलग अलग प्रायोरिटी होती है. और थोड़ा सा एक आपको ना फ्लैक्सिबल एटीट्यूड भी मेंटेन करना है कि कई बार क्या होगा, कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ जाएंगी कि आपका बनाया हुआ स्केड्यूल बिगड़ जाएगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक आध दिन आप फॉलो नहीं कर पाए तो आप उसे अरे टाइम मैनेजमेंट करने से कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ बनाने की बात है और फॉलो नहीं कर पाते हैं. कई बार ऐसी इमरजेंसीज आ जाती हैं कि जिसकी वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा बिगड़ सकता है, बट इतना मार्जिन अगर आप लेके रखोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, ठीक है. सो आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो कर पाओगे. तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि टाइम में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन रहता है. आप टाइम में इन्वेस्ट आप कैसे करोगे. टाइम में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है क्लियर माइंडेड रहना. जैसे ही मैं सिंगल माइंडेड हूँ, मुझे क्लियर है कि इस वक्त मुझे क्या करना है, तो मैं माइंडफुल हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, तो मैं अपना एक एक मिनट अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाऊँगी. अदरवाइज मेरे पास सफिशेंट टाइम होगा और मेरे को फिर भी लगेगा कि मेरा काम ही नहीं निपट रहा है. जैसे हमने उसको मैनेज नहीं किया, मैंने अपने आप को ओवरबर्डन कर लिया, मतलब ओवर एक्सपेक्टेशंस मैंने अपने आप से लगा ली, अपने आप को इतना सारा कुछ दे दिया जिससे मेरा माइंड बर्डन में प्रेशर में आ गया, और फिर मेरा माइंड क्या स्किप करना स्टार्ट कर देगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगी. तो इतना टाइम होते हुए भी मेरा जो आउटपुट निकलेगा वो उतना निकलेगा. अगर मैं सिंगल माइंडेड होकर मैंने चार अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टास्क अपने उसमें मैनेज किए, तो मैं देखूंगी कि मैं वो भी कर लूंगी और प्लस मेरे पास टाइम भी बहुत अच्छा रहेगा और मैं स्ट्रेस फ्री भी रहूंगी, हैप्पीली उस काम को कर पाएंगे. तो टाइम टेबल बनाते वक्त, जैसे बच्चे आते हैं टाइम टेबल बनाते हैं, 2 बजे स्कूल से फिर आते ही, 2 से 2:30 लंच, 2:30 से 3:30 बजे तक मैथ्स, 3:30 से 4:30 तक साइंस, 4:30 से ये, अरे भाई तुमने ब्रेक नहीं दिया वो कभी फॉलो नहीं हो पाएगा. तो राइट टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना दो अलग चीज हैं जी. पहले तो टाइम टेबल ही राइट नहीं बनाना था लोगों को, क्योंकि माइंड को भी जरूरत है कि उसको भी रेस्ट मिले, रिलैक्सेशन की ना. आपको ये है कि हमारा 40 to 45 minutes एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, स्कूल में 35 to 40 minutes के पीरियड्स भी इसीलिए होते हैं. अब लेकिन बच्चे जो टाइम टेबल बनाते हैं या पेरेंट्स उनका टाइम टेबल जो सेट कर देते हैं, वो इतना प्रेशर दे देता है उनको कि बच्चे उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो उनका माइंड स्किप कर देता है. तो उसमें राइट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टाइम मैनेजमेंट इतना मुश्किल नहीं है जितना माइंड सेट आपका एटीट्यूड उसको लेकर है. तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड
माइंडसेट क्या है. हाँ, आपका माइंडसेट जो भी होगा सर. इसके बाद आपसे जानना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से हमारी सक्सेस में योगदान देता है. देखिए, टाइम मैनेजमेंट का सक्सेस में बहुत जबरदस्त योगदान है. और मैं तो कहता हूँ बच्चों के लिए तो दे सेव मनी ऑल्सो. लाइक अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट करके अपने गोल पे फोकस होकर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो और आपने अपना एक साल बर्बाद होने से बचा लिया. जी, मान लो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है या एक साल की गैप से हो रहा है, वो तीन साल की गैप से होता, तो तीन साल आप और पैसे अर्न करते ना अपनी लाइफ में, तो वो आपके बच गए. मतलब यू हैव टाइम सेविंग जो है आपकी मनी सेविंग है. तो टाइम की तो वैल्यू बच्चों को शुरू से इनकलकेट करनी चाहिए और उन्हें हर चीज को टाइम. जैसे जब छोटी क्लास होती है तो सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं. बहुत से पेरेंट्स क्या होगा, मैथमेटिक्स पे ही, साइंस पे ही या कुछ इंग्लिश पे ही दो तीन सब्जेक्ट को ही सोच के चलते हैं, ये इसके कमजोर हैं, इसी पे फोकस करें, और बाकी सब्जेक्ट्स को वो इग्नोर कर देते हैं. तो नंबर तो सब में बराबर ही आने और सबका पेपर 100 मार्क्स का तो पास भी सब में ही होना है. तो ये सब टाइम से ही करा जा सकता है. नई नई प्लेथोरा खोलने की जगह, नई नई चीजों में घुसने की जगह, जो अगर बच्चे को टाइम मैनेज करा के उसे रिवीजन, क्योंकि मैं सबको ये समझाता हूँ रिवीजन के लिए टाइम जरूर रखें. जनरली क्या होता है कि कोर्स को, उनके क्वेश्चंस पेपर को करने में बहुत टाइम लगा देते हैं और उसके रिवीजन में टाइम नहीं लगाते. तो टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है. आप कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं. 8 घंटे की नींद जैसे बड़े बच्चों के लिए काफ़ी है, छोटे बच्चों के लिए 10 से 11 घंटे की नींद काफ़ी है. अगर उसे वो टाइम से सोएंगे और टाइम से उठेंगे तो उन पर बहुत टाइम रहेगा अपनी सब चीज़ें करने के लिए. बट किसी दिन तो रात को पिक्चर देखी 1 बजे तक, या पेरेंट्स घूमने चले गए और फिर वो ये सोचते हैं ना बच्चे को मैं कंप्यूटर की तरह यूज कर लूं, डिजिटलाइज कर दूं कि आज तो ये घूम ले हमारे साथ, कल ये कवर कर लेगा. वो कभी नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता. वो होता ही नहीं कभी कवर कि चलो अब तो घूमने जा रहे हैं, फिर अब तू देख ऐसा 3 दिन के लिए हम ना शिमला होके आ रहे हैं और जो है उसके बाद तू पढ़ लियो, ये 3 दिन तू वहां कंपनसेट कर लियो. नॉर्मली ऐसे नहीं होता. और अगर हम इसे टाइम ठीक से मैनेज करना बच्चे को सिखा दें, अगर सपोज वेकेशन पे भी गया, 1 घंटा उसे अगर पढ़ना है तो वो पढ़ ले. तो जो मैंने देखा, जो हमारी क्लास में जिन बच्चों की अच्छी रैंक आती थी या जो फर्स्ट या सेकंड रहे, वो बच्चे रोजाना ही पढ़ते थे और उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत सॉलिड था. वो ऐसे गॉसिप्स में या वो खेलने में भी अच्छे थे, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते थे. ऐसे नहीं इमोशनल हो गए बैठे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सारी पिक्चर ही देखनी है, सारे चित्रहार देखने हैं. तो यू नो यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ. इसकी कोई लिमिट नहीं है. जब हम छोटे थे चित्रहार मान लो हफ्ते में 2 बार आता था, अब तो चित्रहार 24 घंटे चलता है. अब अगर बच्चा इसके शौक में पड़ गया तो फिर उसका तो टाइम मैनेजमेंट सब खत्म हो गया उसका. देखिए, जो समय की चीज समय पे अच्छी लगती है. अब जो उसका टाइम इस समय पढ़ने का है तो उसे ये पता होना चाहिए, उसकी प्राइमिंग ऐसे होनी चाहिए कि सिर्फ इम्तिहानों में नहीं पढ़ना. आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के समय जो हो रहा है तो आप बी ग्रेड स्टूडेंट हो गए. अगर वो आपका टाइम शेड्यूल, आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो भी आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हो, अगर वो 12 महीने एक जैसा है तो आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो. बट जनरली देखा है जो बी ग्रेड स्टूडेंट है वो उनका टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एग्जाम के लिए लगता है कि एग्जाम है, कल मेरा, आज पढ़ लेते हैं और हम पास हो जाएं, या 2-4 दिन पहले या महीना 15 दिन पहले जी वो पढ़ने लगते हैं. इस तरह की स्ट्रेटेजी से पास जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो सक्सेस वो सोचते हैं कि मुझे मिल जाए वो नहीं मिल पाएगी. नहीं, पेरेंट्स को ये पहले अपना फोकस, अपना गोल ही क्लियर रखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं. जी, जैसे बहुत बिजनेस फैमिली है वो कई बार ये सोचती है कि ठीक है जो पढ़ लेगा, नहीं तो फिर तो हमारा तो बिजनेस है ही इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा. ऐसा भी है बट उसमें भी टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है. जब तक वो अपनी सब चीजें नहीं ध्यान से रखेगा, और टाइम को तो मैनेज करना आना ही चाहिए. वो जिसको जितना जल्दी सीखने लगेगा ना बच्चा, उतना ही अच्छा उसके सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, वो उतना ही उसको लाइफ में अपनी सक्सेस मिलेगी. हाँ, उसको पता है कि ऐसे करना है तो उसे फिर बाद में ये इम्प्लीमेंट करने में कोई जोर नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी. मैम, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लाइफ में हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, जैसे कि आपने बताया कि एक स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, लेकिन पेरेंट्स को ही नहीं पता है कि टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है. तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे पेरेंट्स को कुछ टिप्स दें कि वो अपने बच्चों की टाइम टेबल में हेल्प कर पाएं, जो उनके लिए कुछ प्रोडक्टिव हो.
देखिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को ना अपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट की अगर इम्पोर्टेंस को समझाना है तो उन्हें किसी स्पोर्ट्स में डाल देना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से अच्छा टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा सकता स्ट्रेटजी, क्योंकि सेकंड्स का भी वो होता है, एक स्विमर है वो सेकंड से भी हार जाता है ना. सो कोई भी स्पोर्ट हो, नॉट ओनली स्विमिंग, तो उसमें सब में उससे बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता बच्चों को सेकेंडों की भी वैल्यू. दूसरा टिप्स जहाँ तक पेरेंट्स के लिए है, तो पेरेंट्स को बचपन से ही बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड वे में कि आप अपना अगर पढ़ने भी बैठे हो तो बेटा आपको पेन पेंसिल स्केल्स बुक जो भी लेकर बैठना है वो अपना ऑर्गेनाइज होकर बैठो. क्या होगा, आपने एक कॉपी ली, पता चला आपका स्केल रह गया, फिर आप उठ रहे हो, फिर आप लेकर आ रहे हो, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. तो आप सबसे पहले तो बच्चों को ये सिखाए ऑर्गेनाइज होकर बैठो. दूसरा आप बच्चों को ये सिखाना चाहिए पेरेंट्स को कि जब आप ऑर्गेनाइज होकर बैठ गए हो आपके माइंड में कुछ थॉट्स आएंगी, जैसे कि अननेसेसरी की भूख लग रही है, या ये बात मम्मी को बताना भूल गया, या स्कूल में ये हुआ था, ये इनको मैं बहुत ही फनी उसमें बोलती हूँ, ये होती है चुल थॉट्स, मतलब जब दिमाग में चुलबुली मचा देती है, ठीक है. तो इनकी एक चुल शीट बनाना बच्चे को सिखा देना चाहिए कि बेटा इस टाइप की थॉट्स पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ रही है तो उन्हें पेपर पे लिख लो कि इसको ना बाद में करेंगे, तो दिमाग भी शांत हो जाएगा, इसने लिख लिया है अब इसे याद रहेगा, बाद में डिस्कस करेंगे. तो आप ना वहां पर बैठे रहोगे, नहीं तो क्या होगा अननेसेसरी एक आपको ना खलबली सी बच जाएगी आपको. दूसरा आज के जमाने के अगर बच्चों की बात करें तो उनके लिए एक मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि टाइम बहुत है बट वो डिस्ट्रैक्शन इतने हैं ना तो उसकी वजह से नहीं हो पाता. तो मोबाइल के लिए आप इंटरनेट से बच्चा क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा कि फेसबुक इंस्टा, वो कहेगा मम्मा मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे इंटरनेट चाहिए, गूगल चाहिए. तो भाई आप स्मार्ट पेरेंट्स हो जाइए. आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर एप्पल स्टोर सब में है जिससे आप ये सोशल मीडिया की साइट्स उस घंटों के लिए ब्लॉक कर सकते हैं. तो अब आपके बच्चे का नेट भी चल रहा है और आपके बच्चे को वो नोटिफिकेशन भी तंग नहीं कर रही है, राइट. तो वो उस तरीके से आप उसका जो भी मोबाइल का या फोन कॉल्स का डिस्ट्रैक्शन उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो टाइम ही टाइम वो खूब सारा निकाल पाएगा. इसके अलावा आपके बच्चे का एनवायरनमेंट बहुत, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट ऐसा है कि मान लीजिए खिड़की के पास ही बैठा है वो या टीवी की आवाज़ आ रही है वहाँ आ रही है, तो ये भी बड़े टाइम वेस्टर्स हैं. इससे क्या होगा, बच्चा बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. यस, बच्चा बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा और डिस्ट्रैक्ट होगा तो नेचुरली टाइम उसका बढ़ता चला जाएगा. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टाइम वेस्टर्स होते हैं कि मान लीजिए बच्चा पढ़ने बैठा है, दादा दादी वॉक इन आ गए, उन्हें पता ही नहीं था वहाँ पे बच्चा बैठा है, तो वो पढ़े, कुछ काम बता दिया किसी ने या अपना कोई फन करने लगा. तो हमेशा बच्चे को सिखाए कि जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठा है तो एक टेक्निक होती है इन्फॉर्म अदर्स, कि दूसरों को बता दो कि इस टाइम हम एक घंटे के लिए दो घंटे के लिए काम करने बैठ रहे हो, सो दैट आपको अननेसेसरी कोई भी डिस्टर्ब ना करें. तीसरा अगर आप अपने बच्चे को, इसके अलावा एक और टेक्निक है, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाई में प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी फॉलो कराना चाहते हैं जिससे वो सही टाइम पर सब कुछ कवर कर पाए, तो एक ट्रैफिक लाइट टेक्निक होती है जिसमें उसका वो सिलेबस मैनेजमेंट कर सकता है. रेड यानी कि डेंजर का साइन है, उसमें वो अपने उन सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को डाल ले जो उसके लिए मुश्किल है जी. येलो वाले से उनमें वो जिसके लिए एक रिविजन की जरूरत है, और ग्रीन में वो जिसके लिए वो कॉन्फिडेंट है. तो बच्चे को माइंड पे जो बर्डन है वो कम लगेगा तो वो फ्रेश होकर पढ़ेगा, फ्रेश माइंड से पढ़ेगा. बिल्कुल. एंड फ्रेश माइंड से जब वो पढ़ेगा तो नेचुरली कम टाइम में वो ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएगा. दूसरा टाइम स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हम मैनेज करने की बात करें तो एक जे कर्व टेक्निक भी बच्चों का स्टडी में टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करती है. इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले जब आप फ्रेश पढ़ने बैठे हैं अपना टफ सब्जेक्ट को पिक कीजिए, बिकॉज उस टाइम आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है एंड आप टफ सब्जेक्ट से लड़ने की फाइट आप जो फाइट करने के लिए स्पिरिट रही है वो आपके अंदर है जी. आधा घंटे बाद जब आपकी एनर्जी डाउन होने लगे देन आपका ईजी या फेवरेट सब्जेक्ट पिक कीजिए, तो आपकी जो लॉस हुई हुई एनर्जी है वो वापस से ऊपर उठ जाएगी, शुरू हो जाएगी. तो यानी कि इस तरीके से वो जे कर्व टेक्निक स्टडी में बहुत हेल्प करती है, बच्चों का टाइम बचाती है बेसिकली. तो इस तरीके से कुछ ये टिप्स आप बच्चों को फॉलो कराएं. एंड मोर ओवर जैसे सर ने कहा कि छुट्टी वाले दिन मम्मियाँ बड़ा लीनेंट अलाउ कर देती हैं, ये तो हमारे अंदर जो क्लॉक सेट हुई भी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. जैसे सर ने भी बोला कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या बच्चों में नींद की प्रॉब्लम छोटे से होने लग जाती है, भूख से कभी पता चला बच्चा 1 बजे खा रहा है, कभी 2 बजे खा रहा है, कभी 3 बजे खा रहा है, या कभी बार बार खा रहा है. तो अंदर वो बॉडी जो है या माइंड जो है वो समझ ही नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपके बच्चे का सुबह उठने का, रात को सोने का, खाने पीने का, जहां तक भी आप पॉसिबल हो सके वो टाइम फिक्स रखिए. ये डिसिप्लिन आप बच्चों में बचपन से ही डाल देंगे तो आप देखेंगे कि वो टाइम बहुत इफेक्टिवली और हैप्पीली मैनेज कर पाएंगे. और एक गोल्डन स्टेटमेंट अपने बच्चों को हमेशा सिखाइए, कभी भी ये मत बोलिए बिजी, ऑलवेज बोलिए कि आई एम इजी.
तो जब जैसे ही बच्चा ये अफर्म करेगा कि या इट्स इजी तो उसको टाइम बहुत दिखाई देगा. जैसे ही वो बिजी का गाना सुनेगा तो उसको ना ऐसा लगेगा टाइम ही नहीं है. बिजी आज के लिए घर में बड़ा गाना बजता है फ्रीक्वेंटली हर एक में, बहुत बिजी हूँ टाइम नहीं है. इसको रिप्लेस कर देना चाहिए आई एम इजी. बिल्कुल. तो पेरेंट्स, जैसे कि मैम ने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रैटेजी अपनाकर एक टाइम टेबल बनाएं अपने बच्चों के लिए जो कि उनके लिए बहुत यूजफुल होगा. और आई होप कि मैम और सर के टिप्स जो हैं वो आज टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपको ज़रूर पसंद आए होंगे. अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा उसका जवाब. अपने बच्चों को सबको एक अलार्म क्लॉक दिला दें आज इस टॉक के बाद. अलार्म क्लॉक से उन्हें पता चलेगा कि एक घंटा कितना बड़ा है. जी, आपने सपोज आधा घंटा लगाया कि मोबाइल देखना है, आधा घंटा मैथमेटिक्स करना है, आधा घंटा साइंस पढ़नी है, लाइक दिस. तो आपको अगर अलार्म यूज करोगे तो आपको पता चलेगा आधा घंटा इतना छोटा नहीं है जितना छोटा लगता है. जी. आधा घंटे में भी अच्छा खासा टाइम है. तो टाइम मैनेजमेंट हो सकता है. तो पेरेंट्स, लास्ट में हमें बहुत अच्छी टिप्स मिली है कि आप बच्चों को अलार्म क्लॉक दिला दीजिए और एक अलार्म क्लॉक आप अपने पास भी रखिए, क्योंकि आपके लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. क्योंकि जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे तब तक बच्चे भी मैनेजमेंट करना नहीं सीख पाएंगे. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम. पेरेंट्स, मैं फिर से आपसे यही कहूंगी कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कान से कहीं ना कहीं आपकी टेंशन भी खत्म होती है. तो आज के हमारे एपिसोड में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. बाय बाय.